Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Kushi Bhatnagar, and today we are going to do the worksheet of chapter 23. We have completed the worksheet till chapter 22 of your syllabus. Now, this time, that is chapter 23 that is Pochampali. Okay. So, as all you know, we have already studied this chapter and done each and everything in detail. We learned the chapter, understand the chapter, and as well as we did all the question answers of the chapter. Yes. सो नाउ वट नाउ दिस इज अ टर्न हम जो करने वाले हैं अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट वर्कशीट में हम डिफरेंट एक्सरसाइज फिलिंग क्वेश्चनिटी भी करेंगे ओके सो वर्कशीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू वाई बिकॉज ये पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देती है कि आपने चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ा क्या था सो so, आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे रिवाइज हो जाता है मेरे साथ ओके सम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स

चेक करो दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट क्लियर टू यू ओके सो स्टार्ट करते हैं विद द फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फर्स्ट वन वानी एंड प्रसाद लिव इन डैश विलेज कौन से विलेज में रहते थे आई एम राइटिंग हेयर बिकॉज देयर इज नो प्लेस मुक्तापुर तो वो कहां पे रहते थे मुक्तापुर विलेज में रहते थे ओके नेक्स्ट द डैश दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल जो वो करते थे क्या करते थे वेविंग तो वो वेविंग करते थे दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल आई नो यू सो क्या करते थे वेविंग थोड़ा सा क्लियर लिखती हूँ जैसे आप लोग एबल टू अंडरस्टैंड इतना तो क्लियर लिखती हूं ओके सो नेक्स्ट द साइज एंड नंबर ऑफ द डैश चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिजाइन किसके हम क्या चेंज करते हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग किसका साइज एंड किसके नंबर्स चेंज करते हैं नीडल के ओके okay, सो so N E D L E N W E D L E नीडल नेक्स्ट बिग शॉपकीपर गिव वेवर्स वेरी डैश मनी फॉर द साड़ी शॉपकीपर्स गिव वेरी वेरी मोर वेरी लेस मनी बहुत कम देते थे टू वेवर्स ओके मेनी क्राफ्ट आर मूविंग मूविंग टू आ जो क्राफ्ट करते थे कहा जाने लगे बिग सिर्स्ट वन इज मुक्ता नेक्स्ट इज वेविंग थर्ड इज एंड फोर्थ इज लेस एंड क्लियर टू यू ओके सो हमने सारे फिलअप को फिल कर लिया है राइट आई होप यू आर ऑल क्लियर विद एट

सो so, ये भी मैं चाहती हूँ कि आप पॉज करके ट्राई करें बाय योर सेल्फ देन यू कैन प्ले इट एंड चेक योर आंसर्स आंसर्स माय क्लियर टू यू ओके सो फर्स्ट ओकेज इज इन दौचंपाली टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश इट्स ओके मुक्तापुर ओके पोचम एंड देन आंध्र प्रदेश इज करेक्ट नो देर इज तेलंगाना नॉट आंध्र प्रदेश सो हियर वी विल डो ए फॉर फॉल्स नेक्स्ट

वेवर्स गेट गुड मनी फॉर देयर हार्ड वर्क वो जो हार्ड लेबर करते थे हार्ड वर्क करते थे उसके लिए उन्हें अच्छा मनी मिल जाता था राइट और रॉन्ग यस इट्स इट्स रॉन्ग वाई क्योंकि उन्हें अच्छा मनी नहीं मिलता था उन्हें बहुत कम मनी मिलता था ओके सो विल राइट एफ फॉर फॉल्स अगेन So here we are done with t, t for true and F for false very easily, and we completed the exercise. Clear? Okay. Now move to the next.

क्लॉथ के नाम और साड़ीज़ के नाम हमने पोचम पाली रख दिया क्यों रखा था वाई क्योंकि जो पोचम पाली टाउन था वहीं के लोग जो थे वो इस साड़ी को बनाते थे और वहाँ की बहुत सारी फैमिलीज जो थी इस साड़ी को बनाती थी इस क्लॉथ के साथ चीजें बनाती थी दैट्स वाई हमने उस साड़ी का ही नाम रख दिया क्या पोचम पाली राइट सो देर इज अ टाउन कॉल्ड पोचमपाली वेयर मोस्ट ऑफ द फैमिली आर वेवर्स तो जो टाउन है दैट कॉल्ड पोचमपाली वेयर द मोस्ट ऑफ द फैमिली आर वेवर्स वहां पे ज्यादातर फैमिलीज कैसी थी वेवर्स ही थी क्लियर सो पोचमपाली टाउन में ज्यादातर फैमिली वेविंग करती थी इसलिए हमने पोचमपाली ही नाम रख दिया क्लियर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्या रिक्वायर होता है बहुत सारा हार्डवर्क और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रिक्वायर होती है बिफोर स्टार्टिंग देविंग राइट सो देविंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स है एक्चुअल वेविंग सो वेविंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ डवर्क बहुत ज्यादा हार्डवर्क रिक्वायर होता है एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव बी बहुत सारी है ऐसी जो करनी पड़ती है बिफोर दी एक्चुअल विविंग एक्चुअल विविंग करने से पहले क्लियर टू यू ओके नेक्स्ट कौन सा साइड लेना है छोटा लेना है बड़ा लेना है small, very small, big, or very big. कैसा हमको लेना है निडल का तो हम उसको कैसे डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजाइन जो डिजाइन हमको चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमको निडल यानी की जो सुई है वो किस तरह की लेनी है क्लियर टू यू ये कौन डिसाइड करता है सो वेवर्स आर एबल टू डिसाइड द साइज ऑफ द निडल्स अकॉर्डिंग टू द डिजाइन डिजाइन के अकॉर्डिंग वो निडल का साइज डिसाइड करते हैं क्लियर टू यू ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्राफ्ट इज इन डेंजर एक्सप्लेन क्राफ्ट जो है जो कि बहुत का एक ब्यूटीफुल क्राफ्ट है जिससे हमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साड़ीज़ मिलती थी वो अब डेंजर में है वाई बिकॉज जो हार्ड वर्क हमारे बेवर्स करते हैं उसको उस साड़ी को ब्यूटीफुली बनाने के लिए उसका जो उन्हें मनी मिलता है इट इज वेरी लेस और शॉपकीपर जो है उनको अच्छे से प्राइज नहीं देते हैं उन चीजों का दैट्स वाई

करने के लिए वो ये सोच रहे हैं वाई क्योंकि उन्हें अच्छा प्राइज ही नहीं मिल रहा है जो उन्हें हार्डवर्क कर रहे हैं उसका प्राइज उन्हें नहीं मिल रहा है जब हम कुछ करते हैं लाइक हम बहुत स्टडी करते हैं बहुत स्टडी करते हैं ओके हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं हमको कि हम चॉकलेट देंगे वेन यू गेट अ गुड मार्क्स ओके सो यू गेट द गुड मार्क्स एंड यू यून गेट द चॉकलेट यू आर हैप्पी और सैड यू विल बी सैड तो सिमिलरली वही है वो हार्ड वर्क करते हैं जिससे कि उन्हें प्राइज अच्छा मिल जाए फिर जब वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं उन्हें उन्हें प्राइज अच्छा नहीं मिलता तो दे वर वेरी अपसेट और वो सोचते हैं कि अब मुझे करना ही नहीं है बट आप ये नहीं सोचोगे ओके सो दिस इज वाई द क्राफ्ट इज इन डेंजर क्लियर ओके नेक्स्ट एक्सप्लेन वॉट इज पोचम पाली सो पोचम पाली क्या है सो पोचम पाली ब्यूटिफुल साड़ी जो एक जगह है पे बहुत साड़ीज बनती हैं जिसका नाम भी पोचंपाली साड़ीज हैं और जो बहुत हार्डवर्क के बाद बनती हैं सो पोचम पाली इज द ब्यूटिफुल स्टिच बाय सो मच ऑफ हार्डवर्क के बाद बनती है दैट इज अ पोचम पाली सारी क्लियर ओके now what now the time of the fun activity okay so no more study the fun activity we will do kya karna napko collect some small pieces of different types of clothes so aapke paas different types of clothes like this okay you have the skirts you have the tops you have the cotton skirts you have the other clothes the net something of the net okay तो so, सबके आपको सलवार सूट भी होगा आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स होंगे और उनके जो क्लॉथ होंगे उनका जो आप टच करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इनका कपड़ा अलग है इसका क्लॉथ अलग है इसका क्लॉथ अलग है ओके तो okay, so, सबका छोटा-छोटा पीस काटो ओके okay, जो वेस्ट हो सकता हो वही वाला पीस काटना कुछ मेन मत काटना नहीं तो मदर योर मदर्स विल बी स्कोल्ड यू ओके सो छोड़े हुए पार्ट करके यहां पे कलेक्ट करो एंड राइट देअर नेम्स अब उनके नेम्स में क्या लिखना है कि वो क्या है कॉटन क्लॉथ आपको किससे पूछोगे कि वो कॉटन है, है या फिर सिंथेटिक है ओके okay. एंड और भी मेनी मोर क्लॉथ होते थे अपने यू कैन आस्ट टू योर फैमिली मेंबर्स अपने पेरेंट्स से पूछ के आप लिखो कि उस क्लॉथ का कौन सा मटेरियल है क्लियर टू यू ओके so this is it we completed the worksheet of chapter 23 each and everything filling the blanks match the uh, true and false question answers and the fun activity okay and this is the not the end we, i will come with more worksheets of the other chapters till then you can watch videos on magnet brains because magnet brains provide free education thank you